हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस अगेन। सो बेसिकली आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अपन ने लास्ट टू पार्ट्स में पढ़ा था कि फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने प्रॉफिट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे, राइट। और सेकेंड पार्ट के अंदर वी हैव स्टार्टेड विद लॉस थी, राइट, कि लॉसेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर समझा था और उसके बेसिक क्वेश्चंस देखे। आज पार्ट थ्री में अपन क्या करने वाले हैं उस चीज़ का अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। पार्ट थ्री बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ रीकैप प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूला। सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूला जो है उनका एक छोटा सा रिकैप लेंगे यहाँ पे अपन। उसके अलावा पार्ट थ्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के मिक्स में कॉम्बिनेशन में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो समझना। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही अगर एक ही क्वेश्चन में पूछे जाए तो आपके किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह के अपने को सॉल्यूशन करने हैं उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे यहाँ पे। उसी से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू करेंगे, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे या फिर कुछ दो से चार नए क्वेश्चंस देखें ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। चलिए चलते हैं अपन, थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, रिकैप से फिर अपन आगे क्वेश्चंस की तरफ पढ़ेंगे। ओके चलो, एज यू ऑलरेडी नो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हियर। कॉस्ट प्राइस वो होती है जो बेसिकली जिसमें अपन कोई भी चीज को परचेज करते हैं, राइट। परचेज ऑफ एन आर्टिकल और द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज मेड इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को अपन किससे डिनोट करते हैं, हमेशा सीपी से डिनोट करते हैं, राइट। ये बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल। सेलिंग प्राइस वो होती है जहाँ पे अपन किसी आर्टिकल को सेल करते हैं, जिस प्राइस में अपन किसी भी आर्टिकल को सेल कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, राइट। उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं अपन, एस पी, राइट। ये जिसका कॉस्ट प्राइस डिनोटेड टू CP and selling price is denoted to SP। ये basic सा fundamental का clear यहाँ तक आप लोगों, इस यहाँ तक hopefully आपको कोई issue नहीं रहा होगा, okay? चलिए अब देख लेते profit and loss क्या होता है। Profit होता है जब selling price is more than cost price, selling price is greater than cost price, cost price जितने में अपन ने खरीदा है अगर उससे में अपन ज्यादा में बेचते हैं तो अपने को क्या होगा, gain या profit होगा। और अगर अपन सीपी ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है, मतलब अपन ने खरीदा तो महंगे में और बेचा सस्ते में, सेलिंग प्राइस कम हो गई और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, अपने आपको लॉस हो जाएगा। ये बेसिक सा फंडामेंटल, राइट, क्लियर। चलो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अब ये और कॉन्सेप्चुअल चीजों को। फॉर्मूला अपन ने देखे थे कि प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, या सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका क्या होता है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट, राइट। और सेल कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करना। मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये चीज थी अपनी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की। अगर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने बोल देंगे तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट का, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। ये क्लियर है आप लोगों का, यहाँ तक क्लियर था प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला था अपना बेसिक जो हमेशा लगता है। एस पी सी पी निकालना कहीं इंपॉर्टेंट आया ना है, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज को आपको जरूर ध्यान रखते ताकि आप ये दोनों चीजें भी इजीली निकाल सकते हैं, बिना कोई इशू हो जाए। ओके चलिए एक और देखते हैं। अपन ने देखा था कि लॉस क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू जहाँ पे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया जाता है। प्रॉफिट में अपन क्या कर रहे थे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर रहे थे, लॉस के अंदर कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। ओके और यहाँ पे वही फॉर्मूला बनता है डिराइव होके, राइट, एस पी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस और सी पी इज इक्वल टू एस पी प्लस लॉस। बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल, राइट, क्लियर है। परसेंटेज ऑफ लॉस को अपन अगर देखेंगे, परसेंटेज ऑफ लॉस क्या है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ लॉस वो होता है जो वहां पे अपन लॉस इंटू 100 डिवाइड बाई सी पी करते हैं। तो परसेंटेज लॉस परसेंटेज को भी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझने के लिए, जैसे प्रॉफिट लॉस को लिखा है, लॉस क्या हुआ, लॉस अपना क्या था, सी पी माइनस एस पी, राइट, सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100, क्लियर। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, इनको याद रखिएगा, इनमें अगर अपन मिस हो गए कहीं ना कहीं तो अपने जो आंसर फाइंडिंग के तरीके हैं वो गलत हो सकते। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को, अमर सेल्स हिज टीवी एट द रेट ऑफ
1540, उसने अपना टीवी जो है 1540 रुपीस में बेचा एंड बियर से लॉस ऑफ 30%। जब उसने 1540 में टीवी बेचा तो उसको क्या हुआ, 30% का लॉस हुआ है। एट वॉट रेट शुड ही सेल हिज टीवी सो दैट ही गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%। पहले उसने जब टीवी बेचा तब उसको लॉस हुआ 30%, अब वो कितने में बेचे अपने टीवी को ताकि उसको 30% प्रॉफिट हो सके। पहले तो उसने 30% लॉस में बेचा, तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास सेलिंग प्राइस है और लॉस परसेंटेज है। लॉस परसेंटेज अगर अपने पास है तो लॉस परसेंटेज को अपन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बट अपने यहाँ पे एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को डायरेक्टली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉस परसेंट सीपी कितना है क्वेश्चन मार्क और एसपी कितना है 1540। क्लियर। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या था, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू, लॉस परसेंट का बेसिक सा फॉर्मूला था जहां पे सीपी ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस कम होती है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, राइट। क्लियर। तो यहाँ पे लॉस परसेंट की जगह क्या लिख दूंगा मैं, सॉरी लॉस परसेंट की जगह 30% लिख दूं डायरेक्ट। यहाँ पे सीपी कुछ पता नहीं है तो सीपी माइनस एसपी पता है 1540 अपॉन कितना लिखेंगे यहाँ पे सीपी एज इट इज रहेगा इंटू 100। ये 30% है, 30% को हटा दीजिएगा 30, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीपी इधर चला जाएगा कहीं ना कहीं, 30 सीपी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू सीपी माइनस 0 गॉट कैंसिल, तो कितना बचा 3 सीपी इज इक्वल्स टू 10 इधर उठ के जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में आएगा कहीं ना कहीं 10 सीपी माइनस 1540, ओके 3 सीपी इज इक्वल्स टू 10 सीपी माइनस 1540 हो जाएगा क्योंकि ये जीरो एक इक्वल जीरो 10 के साथ भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो 3 सीपी मैं 10 सीपी को लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10 सीपी इज इक्वल्स टू माइनस 1540। क्लियर। बेसिक सा फंडामेंट था यहाँ पे, एक सॉरी फॉर दिस लाइन स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं एक छोटी सी, ओके। तो यहाँ पे क्या है अपने पास माइनस 7 सीपी इज इक्वल्स टू माइनस 1540। क्लियर। तो 00 माइनस माइनस गोट कैंसिल, सीपी इज इक्वल्स टू 1540 अपॉन 7, तो सीपी इज इक्वल्स टू 7 1 2 1 कैरी ऑन 2 0 0, तो रुपीस 2200। तो अपना सीपी क्या निकला, एक्चुअल में जब उसने टीवी अपना बेचा था तो उसको कॉस्टिंग तो ये पड़ी थी, बेचा उसने इतने में था तभी तो 30% लॉस खाया। अपने को एक चीज क्लियर हो गई कि अपने कॉस्ट प्राइस क्या है टीवी की, कॉस्ट प्राइस है 2200। अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस पता लग गई और उसके बाद मेरे को प्रॉफिट निकालना 30%, तो मैं क्या सेल प्राइस निकाल सकता हूँ। मैं जितने रेस करता हूँ कोशिश कीजिए इसको जल्द से जल्द करने की ताकि अपन चेक कर सके कि आपके आंसर सही आए हैं या नहीं आए, राइट। फटाफट देखिए आप क्या सही कर पा रहे हैं, अगर सही कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, इजीली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, राइट। और अगर नहीं आ पा रहा है तो कोई इशू नहीं है, अपन एक बार कैलकुलेशन जरूर करके देख लें ताकि जब मैं अपन यहाँ पे अभी इसको सॉर्ट आउट करेंगे कहीं ना कहीं तब आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके, ओके। क्लियर है पूरा, चलो रिलीज कर देते हैं फटाफट, ओके। बेसिकली आपको अगर कुछ भी डाउट लगे कुछ भी कंफ्यूजन हो ना तो आप डायरेक्टली नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं ताकि अपन उस प्रॉब्लम को पर्टिकुलर सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकें अपने आने वाले लेक्चर्स में एंड एवरीथिंग, ओके। या फिर अपन पी वाई क्यू सेशन रख लेंगे इससे रिलेटेड, ओके। क्लियर एवरीवन, ये रखा देते हैं, ओके। एस पी तो अपने को चाहिए ही चाहिए, अभी निकालना है क्योंकि संभव, ओके। चलो एस पी अपना क्या है, एस पी क्वेश्चन मार्क, राइट। सेलिंग प्राइस निकालनी है अपने को। सी पी क्या है, सी पी अभी अपन ने निकाला 2200, राइट। सी पी 2200 प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है उसके पास 30%, राइट। एस पी निकालना, निकाल सकते हैं इजीली। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंट कितना अपना 30 इज इक्वल्स टू
एस पी क्वेश्चन मार्क ही एस पी एज इट इज लिखेंगे माइनस 2200 डिवाइड बाय 2200 इंटू 100 2020 गॉट कैंसल राइट तो 30 इंटू 22 एस पी माइनस 2200 ये आप मेंटली भी कर सकते हैं और फटाफट अपनी स्पीड में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इसको स्लोली स्लोली कर रहा हूँ 30 इंटू 220 करेंगे तो कितना आता है 660 इक्वल्स टू एस पी माइनस 2200 और मैं टू माइनस 2200 के इधर लेके चला जाऊंगा बेसिक सा फंडामेंट है राइट एस पी सो एस पी इज इक्वल्स टू 2860 क्या अपने पास ये ऑप्शन है बिल्कुल है ये उसको कॉस्ट प्रॉफिट सेल निकलेगा मतलब कि उसको 30% प्रॉफिट कम मिलेगा जब वो इतने में इसको सेल आउट करेगा ठीक है ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था बेसिक सा फंडामेंटल था होपफुली यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा ओके चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कौन दिस ओनर शॉपकीपर सेल्स शुगर एट रुपीस 20 पर केजी एक शॉपकीपर है जो शुगर बेचता है 20 रुपीस पर केजी विच ही बॉट एट रुपीस 12 पर केजी 15 पर केजी राइट 20 रुपए में बेचता है 15 रुपए में उस खरीदता है राइट ऑल्सो ही गिव्स इट 150 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम राइट एक किलो में अपने पास कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं उसकी जगह वो क्या करता है 850 ग्राम ही देता है हिज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज वो अपने को फाइंड आउट करो पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि जब वो 1000 की जगह 850 लिख ही दे रहा है तो उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है राइट उसकी सीपी अपने को पहले आइडेंटिफाई करना होगा अब बोलेंगे सर सीपी तो यहाँ पे दिया हुआ है 15 पर केजी लेकिन 15 पर केजी है ना केजी के अकॉर्डिंग है प्राइसेस राइट अपने को किसका निकालना है 850 का कितना पड़ रहा है उसको तो अगर मैं बोलूं कि 1000 केजी का उसको 15 रुपीज पड़ता है तो सॉरी 1000 ग्राम का 15 रुपीज पड़ता है उसको राइट तो 1 ग्राम का कितना पड़ेगा रुपीज 15 अपॉन 1000 राइट एक ग्राम को उसको इतना ही पड़ा ना तो 850 ग्राम को कितना पड़ा उसको 15 अपॉन 1000 इंटू 850 राइट ये बेसिक से कॉन्सेप्ट 00 गॉट कैंसिल तो 15 इंटू 85 अपॉन 100 आया कहीं ना कहीं उसके पास मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ 3 20 4 70 सो 17 थीजा कितना होता है फटाफट बताएंगे 17 थीजा इज बेसिकली हाउ मच 51 अपॉन 4 आया कहीं ना कहीं अपना क्लियर अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ चलिए इसको डिवाइड भी नहीं करता हूँ मैं तो 850 ग्राम में उसकी कॉस्टिंग कितनी है रुपीज 51 अपॉन 4 उसकी कॉस्टिंग पड़ती है राइट अब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हुई एक्चुअल में उसको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ वो देखना अपने को अब दे तो वो 850 ग्राम ही रहना कस्टमर से तो रेट इसका ले रहा है लेकिन देता तो इतना ही तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है कॉस्ट प्राइस इज 51 अपॉन 4 सेलिंग प्राइस इज 20 और बेसिकली देखेंगे तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो यहाँ पे उसको क्या हुआ प्रॉफिट परसेंटेज ही हुआ है ना मैंने राइट प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी 20 माइनस 51 अपॉन 4 इंटू 100 चलिए इसको एक काम करते हैं अपन पॉइंट को इजीली कैलकुलेट ही कर लेते ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग इजी रहे राइट 51 अपॉन 4 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 12 तो कंप्लीट होता है कहीं ना कहीं ओके 12 कंप्लीट होता है तो एन ऑन हाउ मच विल बी गेटिंग 12.750 तो 20 माइनस 12.750 अपॉन 12.750 इंटू 100 राइट मेरा ऊपर कितना निकलता है ऊपर अगर मैं देखूं 20 से 12.750 को माइनस करते हैं तो माइनस करने पे कितना आ रहा है फटाफट सोचिए कितना आ सकता है राइट तो यहाँ पे अपना आता है लगभग लगभग 7.250 अपॉन 12.750 इंटू 100 क्लियर अगर मैं 3 पॉइंट यहाँ के आता तो बैलेंस हो जाता है क्योंकि ऊपर इंटू 100 होगा नीचे इंटू 1000 होगा नीचे 2000 होगा ऊपर भी 2000 होगा
तो वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर है। राइट, यहाँ का पॉइंट उठा तो नीचे अकाउंट में 1000 आए, यहाँ का नीचे का पॉइंट उठेगा तो ऊपर 1000 आए, 1000 से 1000 वोट कैंसिल, जीरो से अगर मैं जीरो कैंसिल तो बचा क्या, एक बार अपन क्लियरली देख लेते, 725/1275×100 ये बेसिकली अपना बचा हुआ है कहीं ना कहीं, क्लियर, ये अपना फंडामेंटली चीजें बची हुई है, क्लियर। अब देखते हैं फाइव की टेबल से और इजीली इसको क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं, फाइव की टेबल से कट करते हैं तो 1, 4, 5 ओके, फाइव की टेबल से इसको कट करते हैं तो 2 कह रही होंगे इधर 5 अगेन गया 5 और मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे कितना आता है 2 हो गया 9, 5 की टेबल से इसको और कट करता हूँ तो कितना आता है बेसिकली 5, 1। तो मेरे पास आया क्या अभी तक 29×100/51 तो 2900 डिवाइड बाय 51 करता हूँ तो मेरे पास लगभग लगभग 51 का आधा भी अगर करता हूँ तो 2750 होता है, लगभग 2550 होता है, तो ये उससे ज्यादा मतलब 50% से ज्यादा ही आना है, 50% से बहुत ज्यादा, तो ये ऑप्शन तो अपने वैसे ही गलत होंगे। आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि अपन ऑब्वियसली अगर इसके पॉइंट्स में कैलकुलेशन से अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके का, क्योंकि ये सारे तो ऑप्शन 50% से लेस है ना, और 2900 को मैं 50 से अगर डिवाइड भी करता हूँ तो वो अपना आंसर 50% से प्लस ही दिखाएगा कहीं ना कहीं, क्लियर। तो बेसिकली क्या हुआ 56.86%, राइट, क्लियर, समझ गए आप सब, होपफुली यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई होगी क्वेश्चन को लेके। ओके चलिए चलते हैं आगे की तरफ। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज 960, द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज 960। एक आर्टिकल है उसकी प्राइस है 960 और दूसरे आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है 960, राइट। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल एंड द लॉस ऑफ 20% ऑन द सेकेंड आर्टिकल, देन व्हाट विल बी द टोटल लॉस। अब क्या हो यहाँ पे, क्या है एक की कॉस्ट प्राइस दे रखी है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है अपना बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो गया है बेसिकली, राइट। फर्स्ट में क्या दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दी हुई है 960 की, उसमें क्या बोला फर्स्ट आर्टिकल को क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है उसको 20% का, राइट। और दूसरे आर्टिकल में क्या हुआ उसकी कॉस्ट प्राइस 960 थी, सीपी 960 और लॉस हुआ है उसको, लॉस हुआ है ना कहीं नहीं, यहाँ पे देखिए आप 20%, तो यहाँ पे अपने को एसपी निकालना पड़ेगा यहाँ पे एक तो, राइट, और यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को सीपी निकालना पड़ेगा, राइट, क्लियर। चलिए तो अपन प्रॉफिट वाला परसेंट का फॉर्मूला लगा देते डायरेक्टली, तो 20 = प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है सीपी माइनस एसपी, 960 माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, क्लियर, बेसिक सा फंडामेंट है, सीपी इधर से आ जाएगा और 100 डिवाइड में आ जाएगा, तो 20 CP/100। आप ये मेंटली फटाफट कर सकते हैं माइंड में, मैं यहाँ पे सिर्फ स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए समझने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रह सके क्वेश्चन को, क्लियर है ना। चल CP = 5 इधर आ जाएगा वापस मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं, तो 5×960 कितना होता है 960×5 करते हैं तो 5 इसके साथ भी तो होगा कहीं ना कहीं, माइनस 5 CP माइनस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 6 CP = 4800 और CP = 4800/6, राइट, 4800/6, क्लियर। चल कितना आता है 6×7×8 तो सीपी कितना निकला अपना 800 रुपीज का, इसकी कॉस्टिंग पड़ी है कहीं ना कहीं यहाँ पे, इसकी कॉस्टिंग कितनी है 800 की आई है, क्लियर। और यहाँ पे देख लेते हैं उसको लॉस हुआ था, लॉस परसेंट में कितना है 20 = फॉर्मूला क्या लगता है CP - SP लगता है ना, यहाँ पे अपने SP - CP लगाया, यहाँ पे CP - SP 960 माइनस SP अपॉन 960
into 100, 0 से 0 got cancel, right? तो basically क्या करेंगे, 20 into 96, ये cancel हुआ हमारा, okay? और ये 10 को मैं इधर divide में ले आऊंगा, 960 minus SP, कितना है, 0 से 0 वापस cancel, तो 2 into 96 अगर मैं करता हूं तो कितना आता है, फटाफट सोचिए, 192 is equals to 960 minus SP, SP को मैं इधर ले आता हूं और इसको इधर ले आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा इधर आके, so SP is equals to 960 minus 192, clear? SP is equals to 160 में से 192 जाता तो कितना बचता है? It will be estimately around 768. 768 is the selling price क्योंकि उसको loss हुआ है 20% कहीं ना कहीं, right? तो 768 उसकी selling price. अब देखिए अपने पास total उसकी selling price भी आ गई, दो selling price आ गई, दो cost price भी आ गई, तो मैं CP और CP और SP SP को plus कर सकता हूँ. तो टोटल उसका सीपी कितना हुआ, सीपी कितना हुआ उसका टोटल 960 प्लस यहाँ पे कितना निकला था 800, राइट right? और एसपी कितना हुआ, एसपी उसका हुआ 768 प्लस यहाँ पे कितना 960, इन दोनों को फटाफट से प्लस कर देंगे, प्लस करते हैं तो 06981760 इसकी कॉस्ट प्राइस पड़ी और सेलिंग प्राइस कितनी आई, जीरो प्लस एट एट, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व में से वन कैरियर बन गया 1102 इसकी एस पी है, मतलब सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस इतना है, तो उसको क्या हुआ यहाँ पे दिख रहा है 100% इसको लॉस ही हुआ कहीं ना कहीं, राइट? ये तो क्लियर अपने को दिख गया कहीं, तो 1760 माइनस 1728 कितना आया, फटाफट देखिए कितना आता है यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो अपना आंसर क्या बनता है, यहाँ पे माइनस करने पे लगभग 32 रुपीज का लॉस हुआ है उसको, राइट? तो लॉस इज 32 रुपीज। ये बेसिक सा फंडामेंट था, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी, होपफुल यहाँ पे आपको डाउट नहीं रहा होगा कुछ भी, ओके okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जम करें, इनको देखते हैं इसी टाइप का कोई नया क्वेश्चन, पैटर्न्स थोड़े से समझिएगा कि यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन में भी सॉल्व हो सकते हैं इजीली, वो रेशियो प्रोपोर्शन में भी करने की कोशिश करेंगे जब अपन रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, राइट? क्योंकि अभी उस बेस पे अपन पहुंचेंगे कि रेशियो प्रोपोर्शन में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ ताकि एक्सप्लेन कर दूँ और आपको लगे कि ये तो आता ही नहीं है, राइट? तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को ही समझते हुए क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, ओके? वो बाद में आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कौन से मेथड से करना है जब आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कॉन्सेप्ट की, ओके? चलते चलते, अ शॉपकीपर बाइज अ नोटबुक ऑफ ₹85, ही वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%, एट व्हाट प्राइस शुड ही मार्क द नोटबुक, नोटबुक की मार्किंग क्या रखेगा कि उसको जब वो 85 में खरीद रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस इतनी है लेकिन उसको प्रॉफिट चाहिए 20%, लेकिन कस्टमर को भी 15% डिस्काउंट दे सके वो कहीं ना कहीं, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखते हैं अपन, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली सेलिंग प्राइस नहीं है कहीं पे भी, राइट? तो सेलिंग प्राइस को भी क्या अपन एक्स ले सकते हैं, सेलिंग प्राइस को भी क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क है तो इसको मैं एक्स से डिनोट कर देता हूँ, क्लियर? क्वेश्चन मार्क है तो अपन इसको एक्स से डिनोट कर देते हैं, अगर सेलिंग प्राइस इसका एक्स है तो उसमें उसको डिस्काउंट दिया है ना कहीं ना कहीं, राइट? सेलिंग प्राइस में से ही उसको डिस्काउंट मिला है कहीं ना कहीं, क्लियर? तो वहां से मैं क्या करूंगा, एक्स माइनस 15% ऑफ एक्स, मतलब एक्स का ही 15% निकालूंगा ना कहीं ना कहीं, उस चीज का ध्यान रखिएगा, तो एक्स माइनस 15/100 एक्स, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आता है 100x माइनस 15x अपॉन 100, तो यहाँ पे क्या आया 85x अपॉन 100, बेसिकली क्या निकला अपना 0.85x, ये अपनी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकली है आफ्टर द डिस्काउंट, राइट? ये डिस्काउंट उसको देना है महीने के, तो इसने डिस्काउंट दे दिया, अब इसको डिस्काउंट दे दिया सब कुछ कर दिया, उसको क्या हो रहा है, ये सेलिंग प्राइस निकल गई, ये क्या निकली अपनी सेलिंग प्राइस निकली, लेकिन उसको प्रॉफिट भी तो कमाना है, अब देखिए सेलिंग प्राइस है अपने पास
प्रॉफिट है, सीपी है, राइट। तो अपन इजीली निकाल सकते हैं, इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पे, राइट। तो अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या आई है, अभी सेलिंग प्राइस इज 0.85x सीपी 85, और प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज 20%। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई थी मेरे ख्याल से। चलिए 20 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट है तो प्रॉफिट माइनस एसपी माइनस सीपी होता है 0.85x माइनस 85 अपॉन 85 इनटू 100, क्लियर, बेसिक सा फंडामेंट है। मैं इसको इधर ले आता हूँ और 100 को नीचे ले आता हूँ, 20 इनटू 85 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू माइनस 0.85x माइनस 85, x को ही सब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे अल्टीमेटली आपने, राइट। 21 जा 5, 102 अपॉन 0.85, पॉइंट हटा दो पर 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो बेसिकली अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, 85 कितने टेबल में आता है, 85 अगर मैं कैलकुलेट करूं, ओके यहां पे देखिए आप कहीं ना कहीं 17.5 x 17.6 x 1 x 20 x 6 x 20, तो कितना आया अपना x जो निकला है, कितना निकला है, सेलिंग प्राइस क्या निकली कहीं ना कहीं, इट विल बी 120, राइट। क्लियर बेसिक से क्वेश्चन से, होपफुली आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बेटर हो गई होगी। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, टिल दैट टाइम एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।